अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप लोग अल्नाफे के ऊपर मेरा डेटा साइंस का इंट्रोडक्शन का कोर्स ले रहे हैं। हम पोस्टमार्टम कर रहे थे उन असाइनमेंट्स का जो आपने जमा करवाई है। उन असाइनमेंट में कुछ लोगों ने ये लिखा कि जी आप हमें अभी से तंग कर रहे हैं कि जॉब कौन सी होगी, मार्केट में क्या करें, अभी जो ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो हमारी उम्र ही कुछ नहीं है, 20-22 साल उम्र है, अभी से आप टेंशन दे रहे हैं। मुझे इस बात का जवाब भी आप डेटा साइंस से दीजिए। डेटा साइंस के अलावा मुझसे कोई बात ना करे। वो शायर कहता है, या तेरा तस्करा करे हर शख्स, या कोई हमसे गुफ्तगू ना करे। तो अगर आपने मुझसे बात करनी है तो डेटा साइंस की ज़ुबान में बात करनी पड़ेगी। आपने फ़िलासफ़ी सुनानी है, आपने दलाइल देने हैं, आपने इमोशनल बातें करनी है। दुनिया भरी पड़ी है भाई, कहीं और जाके बात कर लो। मुझसे बात करनी है सिर्फ डेटा की ज़ुबान में बात कीजिए, उससे आप ही का फ़ायदा है। मैं तो डेटा साइंटिस्ट बन चुका, अल्लाह पाक ने करम किया, मेरा फ़ायदा तो ऑलरेडी हो रहा है, अब आपका ही फ़ायदा है। हमारी जो एवरेज लाइफ है पाकिस्तान के अंदर वो 70 साल है। वो ज़्यादा बता रहा हूँ, मर्दों की तो 63 साल है, औरत की 65 साल है। आप 70 साल समझ लें। रोज़ हम 8 घंटे सो रहे होते हैं, ये तकरीबन 23.5 ईयर बन जाते हैं हमारे, जो हम सोने में गुजार देते हैं, अगर हम 8 घंटे रोज़ सोएं तो। और हमारे पास ऐसे भी शहजादे हैं जो 10-10, 12-12 घंटे सोते हैं। 8 घंटे हम किसी न किसी ऑफिस चेयर पर काम कर रहे होते हैं, वो हम अलबरका में जाएँ, दुबई इस्लामिक बैंक में जाएँ, टेलीनोर में जाएँ, या यूनाइटेड बैंक में जाएँ, या अपने ऑफिस में जाएँ, या दुकान के ऊपर बैठें। 23 साल वहाँ निकल गए। एक पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी एवरेज 4 घंटे दिन में टीवी देखता है, उसमें नाइट शोज़ शामिल नहीं है। तो अगर आप वो कौन सा महूस ड्रामा था, हम सफ़र और ये हामिद मीर और रिया मकबूल जान और पता नहीं कौन कौन से जितने शायद मसूद, ये सारे बेवकूफ़ सारे लोग शामिल कर लें अगर, तो ज़िंदगी गई आपके छक्के के ऊपर। चले 4 घंटे भी रोज़ के लगाएं तो 12 साल आप टीवी देखने में गुजार देंगे। ऑन एवरेज पाकिस्तानी 4 घंटे लगाता है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, यूट्यूब, इन तमाम चीज़ों के ऊपर। 12 साल आपके वहाँ चले गए। पर्सनल हाइजीन के ऊपर हम वाशरूम में 1 साल गुजार देते हैं, अगर रोज़ का 1 घंटा दें तो। नमाज़ पढ़ेंगे तो तकरीबन 1.5 साल वहाँ दे देंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 73 साल में 70 साल के अंदर आधा साल अल्लाह मियाँ मांगते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, हमसे वो भी नहीं होती। और वो होती भी 12 साल के बाद फ़र्ज़ है, तो वो भी हमसे शुरू के 12 साल तो वैसे ही निकाल दें, वो भी गए। आप सिर्फ इनको कंबाइन कर लेना तो 73 साल होते हैं। 70 साल की ज़िंदगी से भाई शुरू हुए थे, 3 साल एक्स्ट्रा हो गए। अब बताइए बीवी को टाइम कब देंगे, बच्चों को टाइम कब देंगे, पर्सनल ग्रोथ पे कब देंगे, डेवलपमेंट पे कब देंगे, डेटा साइंस कब सीखेंगे, उसका टाइम तो बचा ही नहीं आपके पास। इसलिए टाइम आपके पास नहीं है भाई, ज़िंदगी नहीं है। ये तमाम खराफात निकालने के बाद मुश्किल से ज़िंदगी में 2-3 साल बचते हैं जिसमें आप कुछ करके दिखा सकते हैं। और उसके लिए भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, उसमें भी आपने नहीं सीखना, तो कोई फ़ायदा नहीं है कोर्स लेने का। हिम्मत कीजिए, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, आप बड़े आराम से ये सीख सकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ और एग्ज़ाम्पल्स पर बात करेंगे कि ये तो तनकीद हो गई कि जो आपने काम गलत किया, इसको सही करने का तरीका क्या था, वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ।